बेनिफिट्स ऑफ जेम स्टोन्स इन हिंदी। जानिए असली रत्न की पहचान। नौ ग्रहों के नौ रत्नों नग जेम्स का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के रत्न उन ग्रहों की किरणों को सोख कर मनुष्य के शरीर में किरणों को प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण ग्रह के प्रभाव में वृद्धि और अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार आकाश में स्थित सैटेलाइट या सर्वर से मोबाइल टावर तक किरणें पहुंचकर, मोबाइल में स्थित सिम तक पहुंचकर, मोबाइल में नेटवर्क सिग्नल पहुंचाकर उसे उपयोगी बनाया जाता है, वैसे ही रत्नों का प्राणियों पर महत्व है। माणिक यानी रूबी सूर्य ग्रह का रत्न है सिंह राशि के लिए। असली माणिक को चांदी के पात्र में मोतियों के बीच रख दिया जाए तो मोतियों का रंग कुछ लालिमा लिए हुए दिखता है। माणिक को स्वर्ण अंगूठी में लगवाकर रविवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। इससे भाग्य उदय, पुत्र लाभ और हृदय रोग, नेत्र रोग, रक्त रोगों का नाश होता है। मोती रत्न चंद्रमा ग्रह का रत्न है कर्क राशि के लिए। शुद्ध मोती को मिट्टी के पात्र में गोमूत्र में डालकर रात भर रखें तो भी खंडित नहीं होता है। मोती को चांदी की अंगूठी में लगवाकर सोमवार को कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। यह बेचैनी, क्रोध, रक्त, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। मूंगा रत्न मंगल ग्रह का रत्न है मेष राशि के लिए। असली मूंगा को दूध में डाला जाए तो दूध में लालिमा दिखाई देने लगती है। मूंगा को तांबे की अंगूठी में लगवाकर मंगलवार को अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। यह भूत बाधा, भूमि सुख, अल्प रक्तचाप के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। पन्ना रत्न बुध ग्रह का रत्न है मिथुन कन्या राशि के लिए। असली पन्ना को कांच के पात्र में जल में डाला जाए तो पात्र में से हरित किरणों के निकलने का आभास होता है। पन्ना को सोने की अंगूठी में लगवाकर बुधवार को कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। यह धन संपत्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी है। पुखराज रत्न गुरु ग्रह का रत्न है वृश्चिक धनु मीन राशि के लिए। असली पुखराज को कसौटी पर घिसने से यह अधिक चमक उठता है। पुखराज को सोने की अंगूठी में लगवाकर बुधवार को तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। यह वंश वृद्धि, विवाह में बाधा, घर क्लेश के लिए अत्यंत लाभकारी है। हीरा रत्न शुक्र ग्रह का रत्न है वृषभ तुला राशि के लिए। असली हीरे को यदि पिघलते हुए घी में डाल दिया जाए तो घी तुरंत जमने लगता है।
हीरे को सोने की अंगूठी में लगवाकर शुक्रवार को मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। यह लक्ष्मी प्राप्ति, विवाह सुख, वाहन सुख, वशीकरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। नीलम रत्न शनि ग्रह का रत्न है, मकर और कुंभ राशि के लिए। असली नीलम को गाय के दूध में डाला जाए तो दूध का रंग नीला दिखाई देगा। नीलम को लोहे या सोने की अंगूठी में लगवाकर शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। यह धन धान्य, यश कीर्ति, बुद्धि चातुर्य, वंश वृद्धि, शनि की साढ़े साथी के लिए अत्यंत लाभकारी है। गोमेद रत्न राहु ग्रह का रत्न है, राहु से प्रभावित सभी राशियों के लिए। असली गोमेद को 24 घंटे तक गोमूत्र में रखा जाए तो गोमूत्र का रंग बदल जाता है। गोमेद को पंच धातु या सोने की अंगूठी में लगवाकर शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। यह धन संपत्ति, संतान वृद्धि और राजपक्ष शत्रुओं का दमन करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। लहसुनिया नग केतु ग्रह का रत्न है, केतु से प्रभावित सभी राशियों के लिए। असली लहसुनिया रत्न अंधेरे में बिल्ली की आँख की तरह चमकता है। लहसुनिया को लोहे या पंच धातु की अंगूठी में लगवाकर शनि बुधवार या गुरुवार को कनिष्का उंगली में धारण करना चाहिए। यह संतान सुख, धन वृद्धि, रोगों का नाश, केतु महादशा के लिए हटाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। राहु केतु किसी भी राशि में 1.5 साल रहकर दूसरी राशि बदल लेते हैं। अपने लिए रत्न चयन के लिए किसी योग्य ज्योतिषी एवं जौहरी से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद।